अभी क्वेश्चन नंबर 32, इसमें हमें लेफ्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन सीखना है। तो लेफ्ट डेरिवेशन और राइट डेरिवेशन सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इस फर्स्ट स्टेट से। तो सपोज हमें आउटपुट चाहिए a प्लस ए या फिर a प्लस ए इंटू ए आउटपुट चाहिए सपोज हमें। तो क्या करेंगे, पहले हमने ये ले लिया, यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस का सिंबल है, देन e प्लस e ले लिया यहाँ पे। देन क्या करेंगे, लेफ्ट डेरिवेशन में क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड का है, लेफ्ट साइड का ये वाला, इसको हम पहले एक्सपांड करेंगे। तो इसको पहले एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, e प्लस e लेना पड़ेगा। पर e प्लस e लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दो प्लस की साइन आ जाएगी, इसलिए e प्लस e नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे यहाँ से a लेंगे। तो a प्लस e बन गया है। अब क्या करेंगे, वापस से जो लेफ्ट का है ना उसको एक्सपांड करेंगे, ये लेफ्ट का है अभी, तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे, a इंटू a मिलना चाहिए हमें, तो वो कहाँ पे मिलेगा, ये इंटू का है, तो a इंटू a हमें a प्लस e इंटू e करने पे मिलेगा। तो वापस जो लेफ्ट है उसको एक्सपांड करेंगे, मतलब ये वाला, तो a प्लस a इंटू e, देन इस लास्ट वाले को एक्सपांड करेंगे a प्लस a इंटू a। तो देखो ये स्ट्रिंग मिल गई, ये तो हो गया लेफ्ट डेरिवेशन। अभी राइट डेरिवेशन कैसे करेंगे, सिमिलर है, वापस हमने e प्लस e लिया, तो अब इस तरफ का डेरिवेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे क्या लेंगे, हमें इंटू लेंगे तो ये लास्ट में आएगा, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे सब तरफ बाद में, यहाँ पे e प्लस e इंटू a करेंगे, इसको एक्सपांड करके वापस से सबसे राइट मोस्ट का एक्सपांड करेंगे, तो e प्लस e इंटू a, वापिस राइट का e प्लस a इंटू a, देन वापिस राइट e a प्लस a इंटू a। तो ये हो गया हमारा राइट डेरिवेशन। तो इसे लेफ्ट एंड राइट डेरिवेशन करते हैं। पर और एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, जब भी आप ऐसे लेफ्ट डेरिवेशन राइट डेरिवेशन कोई भी डेरिवेशन कर रहे होगे, तब यहाँ पे देखो इनको हमें नंबरिंग देना पड़ेगा, जो अपने प्रोडक्शन रूल्स है उनको हमें नंबर देना पड़ेगा, 1, 2, 3 ऐसे नंबर देंगे। और फिर जब भी हम वो प्रोडक्शन करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे हमने ई को एक्सपांड किया ए में, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय रूल 3। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे बाय रूल 2, देन यहाँ पे वापिस से 3, 3। सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय रूल 2, देन 3, 3, 3, 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लेफ्ट एंड राइट डेरिवेशन। यहाँ पे e प्लस e ही ले, ऐसा कुछ रूल नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं। e इंटू e लेंगे तब भी हमारा सॉल्व हो सकता है। देखो e इंटू e लेंगे, राइट डेरिवेशन से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे e इंटू, यहाँ पे e को a कर देंगे बाय रूल 3, देन वापिस से e को एक्सपांड करेंगे इस e प्लस e में इंटू a बाय रूल 1, देन इसको एक्सपांड करेंगे, राइट डेरिवेशन है e प्लस a इंटू a बाय 3rd, एंड देन a प्लस a इंटू a, जिसको एक्सपांड करना है उसके नीचे हमें अंडरलाइन निकली। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन।